दोस्तों, हमने नैनीताल में स्टे करने के लिए चूज़ करा है होटल हिमालय, जो कि बहुत अच्छा है। एक तो इसका व्यू बहुत सही है, झील के एकदम पास है, और यहाँ पे पार्किंग की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी अपनी पार्किंग भी है अंदर, और बाहर भी पूरे में पार्किंग है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, अगर आप गाड़ी चढ़ा सकते हो तो बहुत ईजी है, अगर आप नहीं भी चढ़ा सकते तो इनका जो स्टाफ है वो बहुत हेल्पफुल है, वो मिनट में आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ा देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी होटल से मुझे होटल बढ़िया लगा, मैं अभी आपको पूरा होटल का दिखाता हूँ। इनकी अपनी भी पार्किंग स्पेस बहुत है, रूम्स अच्छे हैं, और व्यू के साथ आप देख सकते हैं व्यू भी बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी बहुत सही है, रूम्स की कमी नहीं है, बहुत सही रूम्स बना रखे हैं इन्होंने, और जगह जगह पे आप देखो बालकनीज हैं जहाँ पे सिटिंग एरिया है, आप बैठ सकते हैं, मज़े ले सकते हैं व्यू का। ये देखिए, कैटेगरी वाइज रूम के तीन चार कैटेगरीज हैं। जो हमारा रूम है वो है डीलक्स लेक व्यू, जो कि रूम बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है वहाँ से, और यहाँ पे बालकनी भी है। अब जैसे ये हमारा रूम है, थोड़ा सा इसमें मैसी हो रखा है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ से पूरा व्यू मिलता है आपको लेक का। रूम अपना बहुत बढ़िया है, पूरा लेक का व्यू है यहाँ पे। और ये देखिए, मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, बालकनी बहुत सही है। यहाँ पे बालकनी है, बालकनी से आके यहाँ पे मजे ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं मस्त, लोग यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट भी करते हैं। रूम है वो डीलक्स लेक व्यू रूम, और इसके रेट और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप फैमिली और बच्चे के साथ आते हैं तो ये होटल बहुत ही बढ़िया है, बहुत सही है, मतलब महंगा भी नहीं है और नॉर्मल, मतलब कम बजट वाला भी नहीं है, लेकिन बहुत सही पड़ता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा। तो ये था होटल का छोटा सा व्यू, और यहाँ पे छोटे छोटे गेम्स के पार्ट भी हैं, मिनी गोल्फ भी खेला जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेली जाती है, और यहाँ पे कॉटेज भी है, हेरिटेज रूम्स भी है, और अगर किसी को कम बजट में जो रहना है तो स्टैंडर्ड रूम्स भी है नॉर्मल 2000 तक के।